हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा स्क्रैपिंग फ्रॉम वेब। बेसिकली डेटा स्क्रैपिंग होता क्या है? होता ये होता है कि जैसे कि हमें कोई डेटा को किसी वेबसाइट से एक्सेल में लेके आना है, और उसके लिए हमें जैसे किसी वेबसाइट को कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पर नहीं डालना, हमें यहाँ पर एक इसमें फंक्शन होता है डेटा में फ्रॉम वेब, उसके थ्रू से कनेक्टिविटी को बिठाना पड़ता है और इसके बाद हमारी डेटा स्क्रैपिंग ईजिली हो जाती है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको यही बताने वाला हूँ कि डेटा स्क्रैपिंग बेसिकली होती कैसे है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसमें तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपको किसी मतलब कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, आपको डेटा स्क्रैप करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से, कोई टेबल है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं, आप इसे नॉर्मल यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ आपको क्रिकेट का स्कोर देखना है तो आप इसको एक एक्सेल में उसको मतलब कनेक्टिविटी कर दें और उसे कुछ ऐसा कर दें कि 60 सेकंड के बाद या 60 ऑटोमेटिकली वो रिफ़्रेश हो जाए और आपके पास जो लाइव स्कोर है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप जैसे शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और आप चाहते हो कि एक्सेल में ही उसका टेबल बन के या डेटा बन के आ जाए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलती रहे, आपको बार बार उस वाली पर्टिकुलर साइट में विज़िट ना करना पड़े, तो इसके लिए आप डेटा स्क्रैपिंग को यूज़ कर सकते हैं। और कई बार जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको बार बार उस वेबसाइट में जाना नहीं चाहते और आप चाहते हो कि स्कोर आपको किसी मतलब एक वेबसाइट में किसी पर्टिकुलर सेल में दिख जाए, लाइव स्कोर दिख जाए वहाँ पे, तो इसके लिए भी आप डेटा स्क्रैपिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ कैसे करते हैं वही आपको बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए हमको जाना पड़ता है डेटा, जो हमारा रिबन वाला फील्ड होता है उसमें डेटा होता है, जो डेटा वाला सेक्शन, उसमें जाके यहाँ पे फ्रॉम वेब लिखा हुआ है। इसमें अलग अलग होते हैं, फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक SQL एनालिसिस सर्विस, और ये डिफरेंट होता है। इसमें XML कनेक्शन विजर्ड क्वेरी और एक्सेल से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर। तो बेसिकली हम अभी वेब से करेंगे, इंटरनेट से बेसिकली। तो इसे कैसे करना है, तो मैंने आप पहले ऐसे कीजिए, आपको जैसे मैंने क्रिक इन्फो वाली ESPN वाली साइट ओपन करी हुई है। लेट सपोज़ कि इसमें मुझे स्कोर को देखना है, ज़रूरी नहीं आपको यही स्कोर, आप कोई भी वेबसाइट को चूज़ कर सकते हैं। इसके लिंक को मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं एक्सेल में आऊँगा। एक्सेल में आने के बाद डेटा वाले फील्ड में जाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा फ्रॉम वेब। फ्रॉम में वेब में क्लिक करने के, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका बाई डिफ़ॉल्ट होगा यहाँ पर, जो भी पेज सेट होगा उसकी डिटेल आ जाएगी, लेकिन हमको उसकी डिटेल नहीं करनी है। आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल यही रहता है कि आप कोई भी जो भी साइट करें तो उसे कॉपी करके रखें और उसे फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे मैं जो मैंने कॉपी करी है क्रिक इन्फो वाली साइट, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करूँगा। गो पे क्लिक करते ही ये साइट यहाँ पर रिफ़्रेश हो जाएगी और इसकी डिटेल्स यहाँ पर आने लग जाएगी। जब भी आप वेब से करेंगे तो इसमें ना ये वाला एक ऑप्शन आता है, एक विजर्ड ओपन स्क्रिप्ट एरर इस तरह से आएगा, तो इसे आप नो नहीं करना, आपको यस करना है। इसे डू यू वांट टू कंटिन्यू द स्क्रिप्ट, इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कभी कभी अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है इसको स्क्रिप्ट को रन होने में, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पे आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली टेबल्स होती हैं, तो टेबल्स पर आप यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ये इस तरह से बना होता है। इसमें यस मतलब चेक मार्क हो जाएगा और इसको करने के बाद इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने से पहले इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे ऑप्शन में जाऊंगा मैं। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे होता है नन, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, फुल HTML फॉर्मेट, तो मुझे फुल HTML फॉर्मेट भी नहीं चाहिए, नन भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ओनली। रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बेसिकली होता है कि हाईलाइटेड और जो भी कलरिंग होती है इसमें वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसमें अदर ऑप्शंस भी होते हैं, यहाँ पर डिसेबल डेटा रिकॉग्निशन, डेटा वेब क्वेरी रिडायरेक्शन, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो और अपने अकॉर्डिंगली मतलब जो भी आपको अच्छा सही लगता है इसमें ऑप्शन उसको चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं प्रीफर करता हूँ कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ओनली, और इसे ओके कर देंगे। ये हमारा ऑप्शन बटन पे आता है। ऑप्शन में आने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट होने में से कुछ टाइम लगता है क्योंकि ये वेब से डेटा को फैच करता है, और इसके बाद हमारे पास एक नई एक विजर्ड ओपन हो जाती है जिसमें होता है इम्पोर्ट डेटा, वेयर डू यू वॉन्ट टू पुट द डेटा। अगर आप इस बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल इसने यहाँ पे F8 ले ली है, आप यहाँ पे चाहते हैं अगर आप उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको A1 पे लेके आ जाता हूँ। A1 पे लेने के बाद हमारे पास फिर एक और ऑप्शन आता है, उसमें आता है न्यू वर्कशीट। आप
या तो नई वर्कशीट पे करें या तो इस एग्जिस्टिंग वाली पे कर सकते हैं। तो जो भी आपको नई शीट वर्कशीट पे करना है तो आप नई वर्कशीट को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन मुझे इसी में करना है तो मैं यहीं पे करूँगा। और इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का सेक्शन आता है। प्रॉपर्टी के सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन होते हैं आपके पास। रिफ्रेश एवरी 60 मिनट, इसको क्लिक करके मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ इसे, कि हर 40 सेकेंड में, 30 सेकेंड में। इतनी जल्दी वैसे अपडेट तो होता नहीं है, डिपेंड करता है वेबसाइट पे आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो जो भी आप, मैं ऐसे कर देता हूँ इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेशिंग, बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो गए इस तरह से। यहाँ पे और भी आता है इंसर्ट सेल फ्रॉम द न्यू डेटा इंसर्ट, तो जो भी आपको सही लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये बहुत ईजी, मतलब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या है इसका मतलब बेसिकली। इसके बाद मैं ओके करके यहाँ पर ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद तो अभी ये डेटा भी लोड हो रहा है बेसिकली, अभी डेटा लोड हो गया है यहाँ पे कम्प्लीटली। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी मेरे पास डिटेल आ गई है। तो जो भी मतलब क्रिकेट के स्कोर्स वगैरह हो रहे होंगे तो उनकी डिटेल यहाँ पे इस वाली वेबसाइट के थ्रू आ गई है मुझे, ठीक है। और इसको मैं एक और तरीका बताऊँ, इसे बटन के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो 40 सेकंड में ऑटोमेटिकली चल जाएगा, अगर आप इसमें एक बटन लगाना चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करते ही आपकी डिटेल आ जाए, तो इसको एक नई शीट में लेके जाता हूँ। तो इसके लिए आप अपने मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड होती है Alt WMR बटन प्रेस करके ओके प्रेस कर देंगे तो आपका मैक्रो रिकॉर्ड होने लग जाएगा। Alt WMR, पहले Alt का बटन प्रेस करेंगे, फिर W का बटन, फिर M, देन R। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, यहाँ आपको थोड़ा मतलब हार्ड लग रहा है, तो ये यहाँ पे एक रेडी है, इस तरह से एक बटन होता है, इसमें नीचे देखो नो मैक्रो आर करंटली रिकॉर्डिंग। तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्रो रिकॉर्ड का बटन, आपके पास ओपन हो जाएगा। इसका आप जो भी नाम देना चाहें, मैं इसको दे देता हूँ रिकॉर्डिंग वेब। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की, जैसे कि आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड दिस डेटा फ्रॉम द वेब, समथिंग लाइक दैट। और अभी आप इस बटन को देखिए किस तरह से इसका डिज़ाइन है, और मेरे को ओके करते हुए रिकॉर्डिंग मोड में आ जाएगा। इसको देखिए आप, इसको अभी इस तरह से मैं ओके करूँगा तो ये इसका मतलब हमारा मैक्रो अब रिकॉर्ड होने लग गया। सिंपली वही वाला स्टेप हमें फॉलो करना है। पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद, इंसर्ट में नहीं डेटा में जाएंगे, फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे। इसे अभी नो करके मैं वही वाली अपनी जो वेबसाइट मैंने कॉपी करी है ये वाली, इसको मैं इसका URL यहाँ पे पेस्ट करके गो पे क्लिक कर दूँगा। गो पे क्लिक करने के बाद यस कर देते हैं, ऑप्शन में जाऊँगा मैं, इसमें मैं रिच कर देता हूँ, और इसमें इस बार डेट रिकॉग्निशन को हम यहाँ पे डिसेबल कर, चेक बॉक्स को ऑन कर देते हैं। इम्पोर्ट सेटिंग फ्रॉम द इंटरक्शन ओके कर देते हैं इसे। अगर न हो तो इसे आप फिर से गो पे क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। अब ये डेटा का इसमें ऑप्शन डिसेबल हो रखा है, मैं एक बार दूसरी शीट में चला कर देखता हूँ। इसे स्टॉप कर देते हैं, फिर से नया रिकॉर्डिंग बनाते हैं हम इसमें, रिकॉर्डिंग इसको 2 नाम दे देते हैं। बेसिकली अभी डेटा लोड हो रहा है इसमें।
एक कोई दूसरी साइड को ले लेते हैं अभी अभी ये देखिए इस वाली साइड में कभी कभी किसी किसी साइड में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि उसमें राइट्स नहीं होते, मतलब किसी तरह के भी प्रॉब्लम आए तो आप कोई और साइड को भी चूज़ करके देख सकते हैं। अगर एक साइड हमारी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं है कि उसी के पीछे पड़े रहें। और एक्सेल में तो बेसिकली बहुत बार होता है कि आपका एक बार में रेजोल्यूशन नहीं आता है तो आप आगे दूसरे दूसरे ट्राई करते रहें। जब तक आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा इसका। नेक्स्ट टू द टेबल यू वॉन्ट टू सेलेक्ट द, मेरे को ये वाली टेबल सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। ऑप्शन में जाकर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ओके करके इंपोर्ट। अभी देखिए मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है बेसिकली यहाँ पर। A1 शीट पे कर देते हैं और ये हमारा वेब से डेटा को स्क्रैप कर लिया। तो देखिए हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब मैं अपने मैक्रो को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ बेसिकली रिकॉर्डिंग। ऑल्ट F11, इसका रिकॉर्डिंग सीक्वेंस हमने 3 रखा था। अगर इसको आप और भी अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हो तो इसकी फॉर्मेटिंग कर दीजिए, यहाँ पर जाके मिडिल में लेके आ जाइए इसे, और व्यू में जाने के बाद ग्रिड लाइंस को हटा देंगे इस तरह से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन के थ्रू मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तभी डेटा आए वरना ना आए। तो मैं इस डेटा को अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, और इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे शेप्स में जाने के बाद कोई भी एक शेप ले लेता हूँ बेसिकली। इस पर क्लिक करके मैं राइट कर क्लिक करके असाइन मैक्रो, जो मैंने रिकॉर्डिंग 3 करी है, मेरी रिकॉर्डिंग 3 हमारी सक्सेसफुली रन हुई थी तो ओके कर दूंगा इसमें रिकॉर्डिंग 3 को। इसमें मुझे नाम लिखना, नाम भी लिख सकते हो, वेब लाइव स्कोर। आप बिना नाम के भी रन कर सकते हैं, वैसे नाम रखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा क्या है इसका प्रॉब्लम। मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर रन करते ही इसमें डिबगिंग मोड आ गया, इनवैलिडिटी प्रोसीजर फ्रॉम द कॉलर आर्गूमेंट। अगर इस तरह से आपका कोई आता है तो इसमें डिबग पे क्लिक करेंगे। डिबग पे क्लिक करने के बाद ये कमांड टाइप है जहाँ पे 0 आता है। मैक्रो को यहाँ पे स्टॉप करेंगे, रिसेट पे क्लिक करके और इसे डिलीट कर देंगे, इस वाले पार्ट को खाली इसको डिलीट करके सेव कर देंगे। फिर से आप अपनी एक्सेल शीट में वापस आ जाएंगे और फिर इसे रन करते हैं। देखिए रन करते ही आपके पास पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है। फिर से एक बार डिलीट कर देते हैं। आपको जैसे इसको डिलीट कर देंगे, अगर आप अभी फिर से क्लिक करेंगे तो एक शीट यहाँ पर ही बन जाएगी मतलब। तो वैसे मैं अभी इसे डिलीट करके प्रेफर, जैसे अभी आपने डिलीट कर दिया, आपने इसको नहीं देखना, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट डेटा स्क्रैप करेगा। यहाँ पर देखिए आपका स्कोर आ गया। तो ज़रूरी नहीं है आपको डेटा खाली स्कोर ही देखना है, तो आप कोई भी साइट को, कोई भी किसी भी तरह की साइट, आप जैसे कि नेट बैंकिंग, मतलब नेट बैंकिंग तो नहीं, शेयर मार्केट और जो भी आपको, मतलब आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि जो जो भी साइट खोलते होंगे और आप चाहते हो इसमें स्क्रैपिंग करें आप डेटा की एक्सेल में, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप या तो मैन्युअली कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था मैन्युअली क्या करना है। मैन्युअली आपको अभी तो मैंने रिकॉर्ड मैक्रो करके किया, मैं वैसे बेसिकली इसके रिकॉर्ड इसके कोडिंग भी होती है, तो कोडिंग काफ़ी लंबी होती है, तो उसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि कैसे आप खाली वही चीज़ यहाँ पे डालेंगे कोडिंग में जिससे स्क्रैप हो जाए। मतलब इसमें जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत सी फालतू की चीज़ें हमारे पास आ जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे इसमें कई चीज़ें होती हैं जिसे हम हटा भी सकते हैं यहाँ पे। ओके एक्सेल में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। मैन्युअली तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है डेटा में जाने के बाद। ये अभी रिसेट कर देते हैं। अभी यहाँ पे इस तरह से डिसेबल हो गया थोड़ा। फ्रॉम मतलब वेब से लेने के बाद उसमें अपना जो भी URL है वो डाल के आप उसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, और मैक्रो रिकॉर्डिंग के जैसे मैंने बताया
उस तरीके से भी कर सकते हैं। और जब भी आप इस तरह से बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइफ स्कोर जो भी आप चाहते हैं वेब से स्क्रैपिंग करके डेटा लाना आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। आपको बार बार उस साइट में भी सर्फ नहीं करना पड़ेगा कि आपको बार बार जाके उस साइट में जाके देखना है। आपने एक बार लिंक प्रिपेयर कर दिया तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ से लिंक से आ जाएगा डेटा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और आप इस तरह से आप जो भी आपकी वेबसाइट उन्हें स्क्रैप करके देखिए, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया तरीका, तो आपको उससे काफ़ी अच्छा लगेगा कि जैसे कि कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिली है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।